कोविड-19 के संबंध में आज दिनांक 9 जून 2020 को जिला सहरसा का अद्यतन प्रतिवेदन इस प्रकार है। अभी अभी 21 पॉजिटिव केसेज और सामने आए हैं। इसमें 12 केसेज ऐसे हैं जो पूर्व के पॉजिटिव का ही पॉजिटिव आया है रिसैंपल के बाद, और 9 फ्रेश पॉजिटिव हैं। इस प्रकार टोटल पॉजिटिव केसेज की संख्या जिले में कल 93 था, आज 102 हो गया है। कल तक 51 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया था जो ठीक हो गए थे। आज 6 और पॉजिटिव जो हैं उनका सैंपल रिपीट सैंपल नेगेटिव आया है, वो ठीक हो गए हैं तो उनको आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। इस प्रकार टोटल ठीक हुए मरीजों की संख्या 57 हो गई है। तो टोटल पॉजिटिव केसेस 102, ठीक होने वाले 57 हैं। दोनों को घटाने के बाद टोटल एक्टिव केसेज की संख्या जिले में आज के डेट में 45 है, जिसका इलाज कर्पूरी छात्रावास में चल रहा है। जो 9 नए पॉजिटिव केसेज आए हैं उनको भी अभी आइसोलेशन में शिफ्ट कर दिया गया है, उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। अभी तक टोटल 2023 सैंपल लिए गए हैं, इसमें कि 1887 का रिजल्ट आया है, 1743 नेगेटिव है, 136 रिजल्ट अभी पेंडिंग है डीएमसीएच के स्तर पे, जो कि आजकल में आ जाएगा। अभी हम लोग का जिला में ट्रूनेट मशीन इंस्टॉल हो गया है। इस मशीन से हम लोग यहाँ के लिए हुए सैंपल को इसी जिला में जांच कर सकते हैं। प्रतिदिन 25 से 30 सैंपल यहाँ भी जांच किया जा सकता है। जिस दिन सैंपल लिया उसी दिन रिजल्ट भी आ जाएगा। मेरा सभी जिलेवासियों से अनुरोध है कि कोरोना संक्रमण का अभी भी संकट को काफ़ी बरकरार है, और सरकार का जो निर्देश हुआ है, जो आईसीएमआर के गाइडलाइन है मास्क को पहनने को लेके, भीड़ भाड़ इलाकों में पहनने को लेके, उसको अच्छा पालन करें। पहला अनुरोध तो यही रहेगा कि अनावश्यक कभी घर में निकलने की आवश्यकता नहीं है। गर्मी भी बहुत काफ़ी पड़ गई है, कोरोना का संक्रमण अभी बढ़ा हुआ है, इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा कि आवश्यकता पड़ने पर ही अपने घरों से निकलें। यह मंथ बहुत क्रिटिकल है, इसलिए जरूरत पड़ने पर अपने घरों से निकलें, और घरों से निकलें तब और भीड़ वाले इलाकों में जाएं तब मास्क का प्रयोग जरूर करें, ताकि दूसरे का संक्रमण से आप प्रभावित ना हो पाए, ना ही आपके संक्रमण से कोई दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो पाए। यह बहुत ज़रूरी है मास्क को पहनना। इसी के लिए हम लोग अभी जीविका दीदी के माध्यम से पंचायतों को हम लोग मास्क भी मुहैया करा रहे हैं, ताकि हर परिवार में 4 मास्क बांटा जा सके। और मेरा यही अनुरोध रहेगा, सरकार के जो गाइडलाइन है आईसीएमआर गाइडलाइंस का अच्छे से पालन करें। इसी सब पालन करने के साथ हम लोग इस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण पा सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुरोध सभी जिलेवासियों से ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।